नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास वरदान, पार्ट 9। रोगी जब तक बीमार रहता है उसे सुध नहीं रहती कि कौन मेरी औषधि करता है, कौन मुझे देखने के लिए आता है। वह अपने ही कष्ट में इतना ग्रस्त रहता है कि किसी दूसरे की बात का ध्यान ही उसके हृदय में उत्पन्न नहीं होता। जब वह आरोग्य हो जाता है तब उसे अपनी श्रुषा करने वाले का ध्यान और उनके उद्योग तथा परिश्रम का अनुमान होने लगता है और उसके हृदय में उनके प्रेम तथा आदर बढ़ जाता है। ठीक यही दशा ब्रजरानी की थी। जब तक वह स्वयं अपने कष्ट में मगन थी, कमलाचरण की व्याकुलता और कष्टों को अनुभव न कर सकती थी। निसंदेह वह अपनी खातिरदारी में कोई अंश शेष न रखती थी, परंतु यह व्यवहार पालन के विचार से होती थी, न कि सच्चे प्रेम से। जब उसके हृदय से वह व्यथा मिट गई तो उसे कमला का परिश्रम और उद्योग स्मरण हुआ और यह चिंता हुई कि इस अपार उपकार का प्रत्युत्तर क्या दूं। मेरा धर्म था सेवा सत्कार से उन्हें सुख देती, पर सुख देना कैसा, उल्टे उनके प्राण ही की ग्राहक हुई हूँ। वे तो ऐसे सच्चे दिल से मेरा प्रेम करे और मैं अपना कर्तव्य ही ना पालन कर सकूं। ईश्वर को क्या मुँह दिखाऊंगी। सच्चे प्रेम का कमल बहुधा कृपा के प्रभाव से खिल जाया करता है। जहाँ रूप, यौवन, संपत्ति और प्रभुता तथा स्वाभाविक सौजन्य प्रेम का बीज बोने में अकृत कार्य करते हैं, वहां प्रायः उपकार का जादू चल जाता है। कोई हृदय ऐसा ब्रज और कठोर नहीं हो सकता जो सत्य सेवा से द्रवीभूत न हो जाए। कमला और ब्रजरानी में दिनों दिन प्रीति बढ़ने लगी। एक दिन प्रेम का दास था, दूसरी कर्तव्य की दासी। संभव न था कि ब्रजरानी के मुख से कोई बात निकले और कमलाचरण उसको पूरा न करे। अब उसकी तत्परता और योग्यता उन्हीं प्रयत्नों में व्यय होती थी। पढ़ना केवल माता पिता को धोखा देना था। वह सदा रुख देखा करता और इस आशय पर यह काम उसकी प्रसन्नता का कारण होगा, सब कुछ करने पर कटिबद्ध रहता। एक दिन उसने माधवी को फुलवाड़ी से फूल चुनते देखा। एक छोटा सा उद्यान घर के पीछे था, पर कुटुंब के किसी व्यक्ति को उससे प्रेम न था। ये तो 12 मास उस पर उदासी छाई रहती थी। ब्रजरानी को फूलों से हार्दिक प्रेम था। फुलवाड़ी की यह दुर्गति देखी तो माधवी से कहा कि कभी कभी इसमें पानी दे दिया कर। धीरे धीरे वाटिका की दशा कुछ सुधर चली और पौधों में फूल लगने लगे। कमलाचरण के लिए इशारा बहुत था, तन मन से वाटिका को सुसज्जित करने पर उतारू हो गया। 2 चतुर माली नौकर रख लिए, विविध प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प और पौधे लगाए जाने लगे। भांति भांति की घासें और पत्तियां गमलों में सजाई जाने लगी। क्यारियां और रविशें ठीक की जाने लगी। ठौर ठौर पर लताएं चढ़ाई गई। कमलाचरण सारे दिन हाथ में पुस्तक लिए फुलवाड़ी में टहलता रहता था और मालियों को वाटिका की सजावट और बनावट की ताकीद किया करता था, केवल इसलिए कि बिरजन प्रसन्न होगी। ऐसे स्नेह भक्त का जादू किस पर न चल जाएगा। एक दिन कमला ने कहा, आओ तुम्हें वाटिका की सैर कराऊं। ब्रजरानी उसके साथ चली। चांद निकल आया था, उसके उज्जवल प्रकाश में पुष्प और पत्ते परम शोभायमान थे। मंद मंद वायु चल रही थी, मोतियों और बेले की सुगंध मस्तिष्क को सुरभित कर रही थी। ऐसे समय में बिरजन एक रेशमी साड़ी और एक सुंदर स्लीपर पहने रविशों में टहलती दीख पड़ी। उसके बदन का विकास फूलों को लज्जित करता जान पड़ता था कि फूलों की देवी है। कमलाचरण बोला, आज परिश्रम सफल हो गया। जैसे कुमकुमे में गुलाब भरा होता है
उसी प्रकार ब्रजरानी के नयनों में प्रेम रस भरा हुआ था। वह मुस्कुराई परंतु कुछ न बोली। कमल, मुझ जैसा भाग्यवान मनुष्य संसार में न होगा। बिरजन, क्या मुझसे भी अधिक? कमला मतवाला हो रहा था, बिरजन को प्यार से गले लगा लिया। कुछ दिनों तक प्रतिदिन का यही नियम रहा। इसी बीच में मनोरंजन की नई सामग्री उपस्थित हो गई। राधा चरण ने चित्रों का एक सुंदर एल्बम बिरजन के पास भेजा। उसमें कई चित्र चंदा के भी थे। वहीं वह बैठी शाम को पढ़ रही थी, कहीं बैठी पत्र लिख रही है। उसका एक चित्र पुरुष वेश में था। राधा चरण फोटोग्राफी की कला में कुशल थे। बिरजन को यह एल्बम बहुत भाया। फिर क्या था? कमला को धुन लगी कि मैं भी चित्र खींचने का अभ्यास करूं और बिरजन का चित्र खींचूं। भाई के पास पत्र लिख भेजा कि कैमरा और अन्य आवश्यक सामान मेरे पास भेज दीजिए, और अभ्यास आरंभ कर दिया। घर से चलते कि स्कूल जा रहा हूं और बीच ही में एक पारसी फोटोग्राफर की दुकान पर आ बैठते। 3-4 मास के परिश्रम और उद्योग से इस कला में प्रवीण हो गए, पर अभी घर में किसी को यह बात मालूम ना थी। कई बार बिरजन ने पूछा भी कि आजकल दिन भर कहाँ रहते हो, छुट्टी के दिन भी नहीं दिख पड़ते, पर कमलाचरण ने हाँ हूँ करके टाल दिया। एक दिन कमलाचरण कहीं बाहर गए हुए थे। बिरजन के जी में आया कि लाओ प्रताप चंद को एक पत्र लिख डालू, पर बक्स खोला तो चिट्ठी का कागज ना था। माधवी दौड़ी हुई गई, उसे डेस्क पर चित्रों का एल्बम खुला हुआ मिला। उसने एल्बम उठा लिया और भीतर लाकर बिरजन से कहा, बहन देखो यह चित्र मिला है। बिरजन ने उसे चाव से हाथ में ले लिया और पहला ही पन्ना उल्टा था कि अचंभा सा हो गया। वह उसी का चित्र था। वह अपने पलंग पर चादर ओढ़ निद्रा में पड़ी हुई थी। बाल ललोट पर बिखरे हुए थे, अधरों पर एक मोहिनी मुस्कान की झलक थी, मानो कोई मनभावन स्वप्न देख रही हो। चित्र के नीचे लिखा हुआ था, प्रेम स्वप्न। बिरजन चकित थी, मेरा चित्र उन्होंने कैसे खिंचवाया और किससे खिंचवाया? क्या किसी फोटोग्राफर को भीतर लाए होंगे? नहीं, ऐसा वे क्यों करेंगे? क्या आश्चर्य है, स्वयं ही खींच लिया हो? इधर महीनों से बहुत परिश्रम भी तो करते हैं, यदि स्वयं ऐसा चित्र खींचा है तो वस्तुतः प्रशंसनीय कार्य किया है। दूसरा पन्ना पलटा, उसमें भी अपना चित्र पाया। वह एक साड़ी पहने आधे सिर तक आंचल डाले वाटिका भ्रमण कर रही थी। तीसरा पन्ना पलटा तो वह भी अपना ही चित्र था। वह वाटिका में पृथ्वी पर बैठी हार गूंथ रही थी। वह चित्र तीनों में सबसे सुंदर था, क्योंकि चित्रकार ने इसमें बड़ी कुशलता से प्राकृतिक रंग भरे थे। इस चित्र के नीचे लिखा हुआ था, अलबेली मालिन। अब बिरजन को ध्यान आया कि एक दिन जब मैं हार गूंथ रही थी तो कमलाचरण नील के कांटे की झाड़ी से मुस्कुराते हुए निकले थे। अवश्य उसी दिन यह चित्र खींचा होगा। चौथा पन्ना पलटा तो एक परम मनोहर और सुहावना दृश्य दिखाई दिया। निर्मल जल से लहराता हुआ एक सरोवर था और उसके दोनों तीरों पर जहां तक दृष्टि पहुंचती थी गुलाबों की छटा दिखाई देती थी। उनके कोमल पुष्प वायु के झोंकों से लचके जाते थे। ऐसा ज्ञात होता था मानो प्रकृति ने हरे आकाश में लाल तारे टांक दिए या किसी अंग्रेजी चित्र का अनुकरण प्रतीत होता था। एल्बम के और पन्ने अभी कोरे थे। बिरजन ने अपने चित्रों को फिर देखा और साभिमान सानंद से जो प्रत्येक रमणी को अपनी सुंदरता पर होता है, एल्बम को छिपा कर रख दिया। संध्या को कमलाचरण ने आकर देखा तो एल्बम का पता नहीं, हाथों से तोते उड़ गए। चित्र उसके कई मास के कठिन परिश्रम के फल थे और उसे आशा थी कि यही एल्बम उपहार देकर बिरजन के हृदय में और भी घर कर लूंगा। बहुत व्याकुल हुआ, भीतर जाकर बिरजन से पूछा तो उसने साफ इनकार किया। बेचारा घबराया हुआ अपने मित्रों के घर गया कि उनमें से कोई उठा ले गया हो, पर वहां भी
फबत्तियों के अतिरिक्त और कुछ ना हाथ लगा। निदान जब महाशय पूरे निराश हो गए तो शाम को बिरजन ने एल्बम का पता बताया। इसी प्रकार दिवस सानंद व्यतीत हो रहे थे। दोनों यही चाहते थे कि प्रेम क्षेत्र में मैं आगे निकल जाऊं, पर दोनों के प्रेम में अंतर था। कमलाचरण प्रेमोन्माद में अपने को भूल गया, पर इसके विरुद्ध विरजन का प्रेम कर्तव्य की नींव पर स्थित था। हाँ, यह आनंदमय कर्तव्य था। 3 वर्ष व्यतीत हो गए। वह उनके जीवन के 3 शुभ वर्ष थे। 4वें वर्ष का आरंभ आपत्तियों का आरंभ था। कितने ही प्राणियों को संसार की सुख सामग्रियां इस परिणाम से मिलती है कि उनके लिए दिन सदा होली और रात्रि सदा दिवाली रहती है, पर कितने ही ऐसे हतभागी जीव है जिनके आनंद के दिन एक बार बिजली की भांति चमक कर सदा के लिए लुप्त हो जाते हैं। ब्रजरानी उन्हीं अभागों में थी। बसंत की ऋतु थी, बर्फीली हवा चल रही थी, सर्दी ऐसी कड़ाके की पड़ती थी कि कुआं का पानी जम जाता था। उस समय नगरों में प्लेग का प्रकोप हुआ, सहस्त्रों मनुष्य उसकी भेंट होने लगे। एक दिन बहुत कड़ा ज्वर आया, एक गिल्टी निकली और बीमार चल बसा। गिल्टी का निकलना मानो मृत्यु का संदेश था। क्या वैद्य, क्या डॉक्टर, किसी को कुछ न चलती थी। सैकड़ों घरों के दीपक बुझ गए, सहस्त्रों बालक अनाथ और सहस्त्रों स्त्रियां विधवा हो गई। जिसको जिधर गली मिली भाग निकला। प्रत्येक मनुष्य को अपनी अपनी पड़ी हुई थी, कोई किसी का सहायक और हितैषी न था। माता पिता बच्चों को छोड़कर भागे, स्त्रियों ने पुरुषों के संबंध का परित्याग किया। गलियों में, सड़कों पर, घरों में जिधर देखिए मृतकों के ढेर लगे हुए थे। दुकानें बंद हो गई, द्वारों पर ताले लग गए, चतुर्दिक धूल उड़ती थी। कठिनता से कोई जीवधारी चलता फिरता दिखाई देता था, और यदि कोई कार्यवश घर से निकल पड़ता तो ऐसी शीघ्रता से पांव उठाता मानो मृत्यु का दूत उसका पीछा करता आ रहा है। सारी बस्ती उजड़ गई। दिन दोपहर ताले टूटते थे और सूर्य के प्रकाश में सेंधे पड़ती थी। उस दारुण दुख का वर्णन नहीं हो सकता। बाबू श्यामाचरण परम दृढ़चित मनुष्य थे। गृह के चारों ओर मोहल्ले के मोहल्ले शून्य हो गए थे, पर वे सब अभी तक अपने घर में निर्भय जमे हुए थे। लेकिन जब उनका साहस मर गया तो सारे घर में खलबली मच गई। गांव में जाने की तैयारियां होने लगी। मुंशी जी ने उस जिले के कुछ गांव मोल ले लिए थे और मझगांव नामक ग्राम में एक अच्छा सा घर भी बनवा रखा था। उनकी इच्छा थी कि पेंशन पाने पर यहीं रहूंगा, काशी छोड़कर आगरे में कौन मरने जाए। बिरजन ने यह सुना तो बहुत प्रसन्न हुई। ग्राम में जीवन के मनोहर दृश्य उनके नेत्रों में फिर रहे थे। हरे भरे वृक्ष और लहरलाते हुए खेत, हरिनों की क्रीड़ा और पक्षियों का कलरव, यह छटा देखने के लिए उसका चित लालायित हो रहा था। कमलाचरण भी शिकार खेलने के लिए अस्त्र शस्त्र ठीक करने लगे, पर अचानक मुंशी जी ने उसे बुलाकर कहा कि तुम प्रयाग जाने के लिए तैयार हो जाओ। प्रताप चंद वहां तुम्हारी सहायता करेगा। गांव में व्यर्थ समय बिताने से क्या लाभ। इतना सुनना था कि कमलाचरण की नानी मर गई, प्रयाग जाने से इनकार कर दिया। बहुत देर तक मुंशी जी उसे समझाते रहे, पर वह जाने के लिए राजी ना हुआ। निदान उनके इन अंतिम शब्दों ने यह निपटारा कर दिया, तुम्हारे भाग्य में विद्या लिखी ही नहीं है, मेरी मूर्खता है कि उससे लड़ता हूं। ब्रजरानी ने जब यह बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। ब्रजरानी जबकि समझती थी कि कमला का ध्यान पढ़ने में नहीं लगता, पर जब तब यह अरुचि उसे बुरी न लगती थी, बल्कि कभी कभी उसका जी चाहता था कि आज कमला का स्कूल न जाना अच्छा था। उसकी प्रेममय वाणी उसके कानों को बहुत प्यारी मालूम होती थी। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि कमला ने प्रयाग जाना अस्वीकार किया है और लाला जी बहुत समझा रहे हैं, तो उसे और भी दुख हुआ, क्योंकि उसे कुछ दिनों अकेले रहना सन्हा था। पर कमला
पिता की आज्ञा का उल्लंघन करे यह सन्हा न था। माधवी को भेजा कि अपने भैया को बुला ला, पर कमला ने जगह से हिलने की शपथ खा ली थी। सोचता कि भीतर जाऊंगा तो वह अवश्य प्रयाग जाने के लिए कहेगी। वह क्या जाने कि यहाँ हृदय पर क्या बीत रही है। बातें तो ऐसी मीठी मीठी करती है, पर जब कभी प्रेम परीक्षा का समय आ जाता है तो कर्तव्य और नीति की ओट में मुख छिपाने लगती है। सत्य है कि स्त्रियों में प्रेम की गंध ही नहीं होती। जब बहुत देर हो गई और कमला कमरे से ना निकला तो ब्रिजरानी स्वयं आई और बोली, क्या आज घर में ना आने की शपथ खा ली है? राह देखते देखते आंखें पथरा गई। कमला, भीतर जाते भय लगता है। बिरजन, अच्छा चलो मैं संग संग चलती हूँ, अब तो नहीं डरोगे? कमला, मुझे प्रयाग जाने की आज्ञा मिली है। बिरजन, मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। यह कहकर बिरजन ने कमलाचरण की ओर आंखें उठाई, उनमें अंगूर के दाने लगे हुए थे। कमला हार गया। इन मोहिनी आंखों में आंसू देखकर किसका हृदय था कि अपने हठ पर दृढ़ रहता। कमला ने उसे अपने कंठ से लगा लिया और कहा, मैं जानता था कि तुम जीत जाओगी, इसलिए भीतर ना जाता था। रात भर प्रेम वियोग की बातें होती रही, बार बार आंखें परस्पर मिलती, मानो वे फिर कभी ना मिलेंगे। शोक, किसे मालूम था कि यह अंतिम भेंट है। बिरजन को फिर कमला से मिलना नसीब न होगा। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास वरदान। धन्यवाद।